रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस। इससे पहले हमने वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था प्लेन सर्फेस से रिफ्रैक्शन के बारे में, जिसमें हमने ग्लास स्लैब वगैरह के बारे में डिस्कशन किया था। आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल सर्फेस। देखिए, जैसे रिफ्लेक्शन के केस में हमने स्फेरिकल सर्फेस की बात की थी, वैसे ही रिफ्रैक्शन के केस में भी डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वहां हम लोग मिरर की बात करते थे, यहां हम क्या करेंगे, लेंस की बात करेंगे। लेंस क्या होगा, कैसे बनता है, देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक स्फीयर है, ये हो गया हमारे पास एक स्फीयर। अब स्फीयर का क्या होगा, एक सेंटर होगा, एक रेडियस होगा। लेंस कैसे बनाएंगे, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मिरर के केस में जैसे दो क्रॉस सेक्शन हमने लगाए, इधर एक कट किया आर्क और एक यहां से एक आर्क कट कर लिया। इन दोनों को, ये जो हमारे पास अलग अलग ये पोर्शन मिल रहे हैं कट करने के बाद से, इन दोनों को कंबाइन करा देंगे। मिरर के केस में सिंगल ले रहे थे, पेंट कर ले रहे थे एक साइड, तो मिरर बन जा रहा था कॉनकेव और कॉन्वेक्स। लेकिन इस बार क्या करेंगे, पेंट नहीं करना है, दोनों को कंबाइन कराना है अलग अलग तरीके से। तो क्या बनेगा, आपका लेंस बनेगा। किस तरीके से करेंगे, देखिए पहले समझते हैं लेंस। लेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल सर्फेसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेरिकल सर्फेसेस is known as lens. Okay? अब lens के types की बात करें, उनके construction के basis पे ही दो तरीके का रखा गया। mainly दो ही type होते हैं भाई, जिसमें प्लेनो वगैरह लगा करके बहुत सारे रहते हैं, प्लेनो कॉन्केव, प्लेनो कॉन्वेक्स। लेकिन जो मेन होते हैं वो सिर्फ दो होते हैं, एक होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। ओके, अब क्या कर रहे हैं, ये जो हमने आर्क कट किया है दो, इसको कंबाइन करने के तरीके पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का लेंस बनेगा। अगर इन दोनों को ऐसे लाके बस ज्वाइंट करा दिए, यानी कि ये शेप बना दिए, दोनों को आमने सामने से ही जोड़ दिए, तो ये क्या बन गया आपका, कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन अगर इन दोनों को अपोजिट ऑर्डर में उल्टा करके लगा रहे हैं, यानी कि ये ऐसे है और इसको हमने क्या कर दिया, दूसरे वाले को इस तरीके से लगा दिया, तो ये जो मिल रहा है, ये हमें क्या मिल रहा है, कॉनकेव लेंस मिल रहा है। तो ये डिपेंड क्या कर रहा है, कि जो हमने स्फेरिकल सरफेस का पोर्शन कट किया उसको कैसे जॉइंट करा रहे हैं, उसके बेसिस पे डिपेंड कर रहा है कि कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। तो अगर आमने सामने जोड़ दिए तो हो गया आपका कॉन्वेक्स और अपोजिट में कॉनकेव। तो इन दोनों लेंस की बात करेंगे हम। अब एक लेंस में क्या क्या होता है, मतलब उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे मिरर में हमने डिस्कस किया था, वैसे ही लेंस में भी डिस्कस करेंगे। तो हम लेंस के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या नाम वगैरह होता है, अलग अलग पोजिशन को कैसे नाम देंगे, इसमें फोकस कहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने लिया है कॉन्वेक्स लेंस, पहले कॉन्वेक्स लेंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, हमने लिया दो स्फेरिकल सरफेस का कॉम्बिनेशन किया, तो पहला स्फेरिकल सरफेस ये है, इसको हमने नाम दे दिया M1 डैश, दूसरा स्फेरिकल सरफेस M2 डैश, इनका कॉम्बिनेशन बन गया क्या, कॉन्वेक्स लेंस। ये जो लेंथ होता है M M डैश क्या कहलाएगा, अपर्चर लेंथ कहलाएगा, इसका लेंथ ऑफ अपर्चर। मैं यहां नाम लिखते जा रहा हूं साथ के साथ, M M डैश जो होगा क्या होगा, लेंथ ऑफ अपर्चर। ये बिल्कुल इसके देखें तो ये ऑप्टिकल एक्सिस एक्सिस कहलाता है, जो ये लाइन जा रही है इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्सिस। और ऑप्टिकल एक्सिस
के बिल्कुल सेंटर पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, इसको नाम दिया ओ। तो ओ कहलाएगा आपका ऑप्टिकल सेंटर, ओ पॉइंट हो गया आपका। नेक्स्ट, ये पहला सरफेस है एम एम डैश, यानी M1 डैश, ये वाला पोर्शन था। तो ये स्फीयर का ही पार्ट है, तो इसके सामने इसका सेंटर भी है, सेंटर है और ये रेडियस होगा। तो इसके सामने, फर्स्ट के सामने अगर हम जाएं बिल्कुल यहां से सीधे, तो यहां पे कहीं हमें क्या मिलेगा, मान लीजिए यहां पे मिला हमें सेंटर, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सी। पहला सरफेस है तो C1 नाम दिए हैं। और फोकस क्या होता है, इन दोनों का मिड पॉइंट, मतलब रेडियस का हाफ होता है फोकल लेंथ। तो यहीं पे बिल्कुल बीचों बीच वाले पोर्शन को हमने क्या ले लिया, फोकस F1। अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 होता है, वो मैक्सिमम जगह पे क्या लिखा होता है, 2F1। रीजन क्या होता है इसके पीछे, कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है। तो यहां पे ये जो पॉइंट है, यहां से और ऑप्टिकल एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो इसको हमने नाम दे दिया आर, और यहां से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फोकस। ठीक, पहले सरफेस के लिए। अब दूसरे सरफेस की बात करें, दूसरे सरफेस का सेंटर क्या होगा, इस साइड आएगा। जैसे यहां पे देखिए, दूसरा सरफेस यही था, पहला ये था आपका, दूसरा ये था, दूसरे का इस साइड आ रहा है लेफ्ट साइड में। तो यहां इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए सीधे, तो यहां आपका आ जाएगा C2, और इसके बीचों बीच वाले पोर्शन को हमने क्या नाम दे दिया, F2 फोकस। तो ये मिड पॉइंट क्या मिला आपको, F2, और C2 को हमने नाम क्या दे दिया, 2F2। तो आप मैक्सिमम जगह हम C1 और C2 हटा देंगे, केवल क्या बोलेंगे, डायरेक्ट हम केवल यही लिखेंगे 2F1 और यहां 2F2। C1 अब खत्म हो जाएगा हर जगह से, जितना भी पॉइंट हम यहां कंसीडरेशन करेंगे, इस पॉइंट को 2F1 कहेंगे, इस पॉइंट को 2F2। तो कॉन्वेक्स का मेन फोकस कहां आ रहा है, जो F1 है वो किस साइड आ रहा है, राइट साइड में। और फर्स्ट सरफेस का जो फोकस होता है उसी को हम फोकस मेन फोकस कहते हैं। और ये जो बीच का लेंथ होता है फोकल लेंथ, ये इसका फोकल लेंथ रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इस साइड जाएंगे तो साइन कन्वेंशन में उल्टा होने लगता है। तो पहला सरफेस का जो फोकल लेंथ मिलेगा वही हमारा एक्चुअल फोकल लेंथ ऑफ लेंस होगा। तो ये था किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। तो अगर नाम दें वो हमने कहा ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या था आपका, ऑप्टिकल सेंटर को हमने कहा मिड पॉइंट ऑफ ऑप्टिकल एक्सिस, और ऑप्टिकल एक्सिस यही है आपका, जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है वो क्या है, ऑप्टिकल एक्सिस है। F1 फर्स्ट फोकल पॉइंट, F2 आपका हो गया सेकेंड फोकल पॉइंट, 2F1 क्या है आपका, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड 2F2 हो जाएगा आपका सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्मॉल f रिप्रेजेंट करेगा फोकल लेंथ, एंड R रिप्रेजेंट करेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए ये जो दोनों बात होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको डिफाइन करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे मिरर के केस में डिफाइन किया था हमने, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज ए पार्ट। मतलब यह है कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस लेंस का, ये वही सेंटर है जो उस स्फीयर का है जिसका ये लेंस एक पार्ट है, यानी कि हम यहीं से तो लिए हैं। वैसे रेडियस को डिफाइन कर देंगे कि जो स्फीयर का रेडियस है वही रेडियस इसका भी होगा, फोकल लेंथ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर।
और फोकल पॉइंट के डेफिनेशन की बात किए थे तो हमने आपको मिरर में जैसे डिफाइन किया था वैसे यहाँ पे डेफिनेशन रे डायग्राम के बेसिस पे होता है कि जब पैरेलल रेज आती हैं, अब यहाँ लेंस पे आएंगे तो लेंस से रिफ्रेक्शन के बाद से ऑल द इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस एंड रेडियस ऑफ फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑल दीज पॉइंट्स लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस लाइन को क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ मैं आपको ये बता रहा था कि कैसे फोकस को डिफाइन करेंगे। तो फोकस होने क्या कहा कि जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है और रिफ्रेक्शन के बाद से जिस पॉइंट से पास करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे या पास करती प्रतीत होंगी उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। मींस ऑल द इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रेक्शन पासेस थ्रू द कॉमन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस या फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस। ओके, तो ये पार्ट्स होता है। ये जब कॉन्वेक्स में पढ़ रहे थे तो मेन फोकस कहां रहा था, राइट साइड में। कॉनकेव जो पढ़ेंगे तो लेफ्ट में आ जाता है जब हम कॉनकेव को डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी हम फिलहाल केवल कॉन्वेक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो इसको देख रहे हैं कॉन्वेक्स को। कॉनकेव को जब डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि F1 इधर आएगा F2 इधर आएगा, वो रीजन हम बताएंगे कि क्यों होता है। फिलहाल यहां तक देखिए। अब इससे हम रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे कैसे होता है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कॉन्वेक्स लेंस से कुछ रूल्स दिए गए हैं, तीन रूल्स होते हैं। पहला रूल ये होता है कि अगर कोई भी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है कहां पे, लेंस पे, तो रिफ्रेक्शन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरा लॉ ये कहता है कि अगर कोई रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो रिफ्रेक्शन के बाद से उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगी, यानी कि अनडेविएटेड पास हो जाएगी। पहले में पैरेलल आ रही थी, रिफ्रेक्शन के बाद फोकस से जा रही थी, दूसरे में ऑप्टिकल सेंटर से आई और बिना किसी डेविएशन के निकल गई। तीसरा रूल ये कहता है कि अगर फोकस से निकल रही है, किसी एक फोकस से रेज निकल करके कहां जा रही है, लेंस पे जा रही है, तो रिफ्रेक्शन के बाद क्या हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है। तो इन तीनों रूल का यूज करके हम इमेज बनाएंगे, इमेज फॉर्मेशन का जो रे डायग्राम होगा उसको हम ड्रॉ करेंगे। तो रे डायग्राम जब आप बनाते हैं तो कम से कम आपको प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा दो रेज ऑब्जेक्ट से पास कराना होता है लेंस की तरफ और फिर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रखने से जो इमेज बनेगा उसकी हम बात करेंगे। 6 पॉसिबल केसेस यहाँ बन जाते हैं पोजीशन के बेसिस पे कि कहाँ किन के बीच में रख रहे हैं पॉइंट्स, किस पॉइंट्स के बाहर, किस पॉइंट्स के बीच में रख रहे हैं, उसके बेसिस पे 6 पोजीशंस मिलते हैं। जैसे मिरर में कॉनकेव मिरर में मिला था वैसे यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में मिलेगा, नाम बदल दिया बस, कॉन्वेक्स लेंस में आ गया। और वो 6 केसेस हम बनाएंगे, अभी देखेंगे कि कहां कहां इमेज बन रहा है। यहां देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस में हमने बताया कि 6 केसेस होते हैं। पहला केस कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, बहुत दूर हो, तो वहां से जितनी भी रे जाएंगी ऑब्जेक्ट के पास से वो सब क्या होंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जब पैरेलल आएंगी तो रिफ्रेक्शन के बाद कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। अब रिफ्रेक्टेड रेज जहां मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, या अपीयर्स टू बी इंटरसेक्टेड, जहां मिलती प्रतीत होती हैं वहीं आपका इमेज बनता है। तो जब एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा तो रियल इमेज, और अपीयर्स टू बी इंटरसेक्टेड होगा तो क्या होगा, वर्चुअल इमेज। तो यहां दोनों पैरेलल रेज एक्चुअल इंटरसेक्ट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर या नीचे हम ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन यहां इसके इस पर ही प्रिंसिपल एक्सिस पे कट किया तो ये पॉइंट साइज का इमेज बन गया। तो इमेज बना F1 पे किसका, पॉइंट साइज का, रियल और इनवर्टेड। देखिए हमेशा आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट से दो रेज लेकर के आनी है प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा, और उनका रिफ्रेक्शन कराना है, जहां इंटरसेक्शन होगा वहीं इमेज का फॉर्मेशन होगा। रेफरेंस लाइन हमेशा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। याद करें कि ऑब्जेक्ट को 2F के पीछे रख रहे हैं,
ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F, तो वहां से हमने क्या किया, एक रेज को भेजा पैरेलल, हमेशा एक रेज पैरेलल भेजा करें, आसान रहता है काम, पैरेलल भेजा, फोकस से पास करा दिया, ये निकल के आया। दूसरा रेज ऑप्टिकल सेंटर से चला गया, ऑप्टिकल सेंटर से आया तो कहां इंटरसेक्ट किया, F1 और 2F1 के बीच में, तो F1 और 2F1 के बीच में जब इंटरसेक्शन हो रहा है तो यहां इमेज बनेगा। इस बार इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या होगी, छोटी होगी, इधर तो पॉइंट साइज का था लेकिन थोड़ा इस बार बढ़ा, लेकिन इससे क्या है अभी भी छोटा है, तो इमेज कहां बना, F1 एंड 2F1 के बीच में छोटा बना और रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन आपको मिरर में पढ़ाया था तो उसमें बताया भी था कि जब भी रियल बनेगा तो इन्वर्टेड होगा ही होगा, मैग्निफिकेशन से हमने कंक्लूजन निकाला था, वहां पे वही रूल्स यहां भी अप्लाई होते हैं, रियल बनेगा तो इन्वर्टेड होगा, रियल कब बन रहा है, जब एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है। तीसरा केस ये हो जाता है कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लाएं तो कहां लाएंगे, 2F2 पे, 2F2 पे जब रख रहे हैं फिर वही काम, दो रेज भेज रहे हैं पैरेलल और ऑप्टिकल सेंटर से, तो कहां कट रहा है, 2F1 पे कट रहा है, इंटरसेक्शन 2F1 पे हो रहा है, तो इमेज कहां बना, 2F1 पे। अब देखिए यहां से डिस्टेंस सेम, इधर पे डिस्टेंस में जितना इधर रख रहे हैं उतना इधर बन रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पे रख रहे हैं, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है, तो उसको हमने कहा 2F2 पे रखे तो 2F1 पे बना। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज का ही होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। फोर्थ केस हो जाता है आपका कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लाइए, तो अब इन दोनों के बीच में आ गया, F2 और 2F2 के बीच में, यहां से रखिए फिर वही काम, वैसे ही दो रेज को भेज रहे हैं, इंटरसेक्शन कहां हो रहा है, 2F1 के पीछे बाहर हो रहा है, तो इमेज बन रहा है बियॉन्ड 2F1, फिर वही इस बार बड़ा साइज बना, देखिए इमेज पहली बार बड़ा बन रहा है, तो यहां से आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट जितना दूर है इमेज उतना पास बन रहा है और उतना ही छोटा बन रहा है, यहां ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास लाए तो इमेज थोड़ा और दूर गया लेकिन साइज बढ़ा, लेकिन अभी भी क्या है ऑब्जेक्ट से छोटा है, यहां ऑब्जेक्ट को और पास में लेके आए तो इमेज और दूर गया लेकिन सेम साइज हुआ, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लाए तो इमेज और दूर गया लेकिन बड़ा हो गया, तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लेके आ रहे हैं इमेज दूर बनता जा रहा है लेंस से, लेकिन साइज क्या हो रहा है, हर बार इमेज की बढ़ती जा रही है, ये बात आप यहां देखिए। दो केस और बचता है, कौन सा, कि ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, F2 पे, और दूसरा F2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो उन दोनों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे बनेगा। तो चार केसेस के बाद ये जो बाकी दो केसेस थे कि ऑब्जेक्ट को और थोड़ा पास लेकर के आए कहां, F2 के पास, ठीक, पहले कहां रखे थे, 2F2 और F2 के बीच में, अब इस बार F2 पे लेकर के आए, तो ये फोकस पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को जब फोकस पे रख रहे हैं तो ये रेज पैरेलल होकर के जाते हैं, पैरेलल रेज को हम ये मानते हैं कि कहीं इन्फिनिटी पे जाकर के मिल रही होंगी, तो इसलिए इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, और इमेज क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा, जब बहुत दूर है तो पता नहीं कर सकते, हम कह रहे हैं हाईली मैग्निफाइड होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, क्यों, क्योंकि हम हमेशा मान रहे हैं कि यही एक्चुअल रेज ही जाकर के मिलेंगे। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास में लेके आ रहे हैं F2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो यहां पे ला रहे हैं, तो पहला केस वही रेज को हमने भेज दिया निकल गया, दूसरा रेज हमने भेजा ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक, ये डाइवर्ज होती जा रही है, देखिए ये दूर भागता जा रहा है, कभी मिलेंगे नहीं, लेकिन अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये लगेगा कि कहीं पीछे आकर के मिल रहे हैं, तो ये विजुअलाइजेशन है, हमने माना अज्यूम किया ऐसा कि ये कहीं यहां से निकल रही थी रेज, इसलिए जो इमेज होगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, जब वर्चुअल होगा तो इमेज क्या होगा, इरेक्ट, तो ये एकमात्र ऐसा केस होता है किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में, जब आपका इमेज वर्चुअल होता है, मात्र एक ही केस है, बाकी पांच केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनते हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक हुआ, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन, कॉनकेव लेंस के थ्रू हम पढ़ेंगे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है, इसमें फर्स्ट सरफेस ये है M1 M1 डैश, और ये क्या हो गया M2 M2 डैश,
तो पहले सरफेस का ये देखिए स्फेरिकल पार्ट जिसका सेंटर इधर की तरफ आएगा, तो ये और इधर फोकस आएगा, फोकस हमने क्या कर दिया F1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर कर दिए 2F1, तो मेन फोकस इसका क्या हो गया लेफ्ट साइड हो गया। दूसरे सरफेस के लिए ये फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर तो F2 एंड 2F2 ये हो रहा था। एक और डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हम डिटरमाइन कर रहे हैं फोकस को। किसी भी टाइप का अगर लेंस है कॉनकेव या कॉन्वेक्स का, उसका फोकस आपको डिटरमाइन करना है तो क्या करना है, पैरेलल रेज भेज दें। क्या करेंगे, पैरेलल रेज भेज दीजिए उस पे लेंस पे, रिफ्रेक्शन के बाद से वो जहां भी मिलेंगी सारी रेज वही क्या होगा फोकस। फॉर एग्जाम्पल देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक रेज भेज रहे हैं और भी रेज भेज रहे हैं, सब क्या है प्रिंसिपल एचेस के पैरेलल है। अब ये रिफ्रेक्शन के बाद से क्या होंगे, देखिए इनका इसका काम क्या होता है डाइवर्ट करना, तो ये डाइवर्जिंग लेंस भी कहलाता है। कॉनकेव लेंस क्या होता है डाइवर्जिंग लेंस, और कॉन्वेक्स को क्या कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। तो ये डाइवर्ट करेगा रेज क्या होगा, दूर भेजेगा, दूर भेजेगा तो ये ऐसे मिल रहा है कि देखिए ये इधर भाग गया, दूसरे की अगर बात कर लें तो ये इधर भाग गया, लेकिन दोनों ही लग रहा है कहां से निकल रहे हैं फोकस से, ये कहीं पे मिलेगी तो नहीं, लेकिन अगर पीछे रिफ्रेक्शन करें तो लग रहा है कहां मिल रहे हैं फोकस पे, इसलिए ये पॉइंट क्या कहलाएगा फोकस, यानी जिस पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है वो क्या हुआ फोकस। ये डाइवर्ज होने के बाद कभी नहीं मिल सकती, लेकिन पीछे हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो डेफिनेशन क्या कहता है फोकस का, कि किसी भी लेंस पे अगर हम पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज भेज रहे हैं तो रिफ्रेक्शन के बाद वो जहां मिले प्रिंसिपल एक्सिस पे या मिलती प्रतीत हो वही क्या कहलाता है फोकस कहलाता है। अब इमेज फॉर्मेशन की जब बात आती है तो उसमें भी इसमें आपको वही तीन रूल्स याद रखने हैं कि जितनी भी पैरेलल रेज आती हैं वो क्या होता है रिफ्रेक्शन के बाद से फोकस से जाती हैं, जाती प्रतीत होती हैं। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से अगर भेजेंगे किसी भी रेज को तो अनडेविएटेड पाथ होगा, और तीसरा फोकस से अगर निकलेगी कोई रेज तो क्या होगा वो, अगर आप किसी भी रेज को फोकस से भेज दीजिए तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी पैरेलल हो जाएगी। वही तीन कॉन्सेप्ट यहां एग्जाम कर रहे हैं। तो पहला कैसे कि ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रख रहे हैं, देखिए कॉन्वेक्स लेंस के केस में आपको 6 पोजीशन मिले थे, लेकिन कॉनकेव लेंस के केस में सिर्फ और सिर्फ 2 पोजीशन मिलता है कि एक ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखें और दूसरा लेंस के कहीं सामने रखें। तो यहां हमने इंफिनिटी पर रखा तो वहां से सारी रेज क्या आ गई पैरेलल आ गई, रिफ्रेक्शन के बाद से कहां मिलती प्रतीत हो रही है फोकस पे, तो इमेज कहां बन रहा है फोकस पे। यहां अगर बात करें नेचर ऑफ इमेज की तो कहां बन रहा है इमेज, इमेज एट F1 पे बन रहा है। दूसरा साइज क्या है इसका, पॉइंट साइज प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है तो पॉइंट साइज इमेज, और तीसरा पॉइंट कि कैसा बन रहा है, तो देखिए ये एक्चुअल इंटरसेक्शन यहां हुआ नहीं है, अज्यूम किया गया है पीछे की तरफ एक्सटेंड करके, तो वर्चुअल हुआ मिलती प्रतीत हो रही है ना, तो वर्चुअल, और जब वर्चुअल होता है तो क्या होता है डायरेक्ट होता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, तो ये इसका नेचर हुआ। दूसरे केस में कि इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी रख दीजिए ऑब्जेक्ट को तो हमेशा कहां बनेगा, देखिए F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रेज को भेजिए पैरेलल फोकस से, क्या दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिए, कहां इंटरसेक्ट हुआ, ये भी एक्चुअल इंटरसेक्शन ही हुआ है, इस रेज को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करके कराए हैं। तो इस केस में इमेज आपका कहां बनेगा, हमेशा बनेगा कहीं भी रख लीजिए इमेज हमेशा बनेगा F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, इमेज बिटवीन F1 एंड O। दूसरा साइज क्या होगा, हमेशा छोटा होगा डिमिनिश्ड साइज, और तीसरा क्या है इरेक्ट होगा वर्चुअल होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कंक्लूजन क्या मिला हमें लेंसेज से, ध्यान दीजिए जो हमें कंक्लूजन मिला लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस, दो चीजें हुई। कॉनकेव लेंस के केस में
सिर्फ और सिर्फ दो पोजीशन है और इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट के लिए, और इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, एक में फोकस पेयर, और उसके अलावा हर बार क्या होगा, एफ1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इस केस में यानी कि कॉनकेव लेंस से इमेज हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा और हमेशा छोटा बनेगा, ओके। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आपको 6 पोजीशन मिल रहा था और उसमें अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग इमेज का नेचर बन रहा था, और एकमात्र केस उसमें वर्चुअल हो रहा था कब, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख रहे थे। तो ये सिचुएशन होता है, इसको कर लीजिए, इमेज फॉर्मेशन आपका स्फेरिकल सरफेस पे क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में फॉर्मूला वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, और भी रिफ्लेक्शन के तरीके हैं, यानी नेचुरल इफेक्ट, नेचर में जो भी फेनोमेनन हो रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, नेचुरल फेनोमेनन के बारे में। चलिए, थैंक यू।